हेलो बच्चों, वेलकम टू साइंस फ्रॉम अंकुर विला। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, एनसीईआरटी क्लास 10th में केमिस्ट्री में कार्बोनेट कंपाउंड्स पढ़ा रही थी आपको, जिसमें मैंने कुछ आपको पढ़ाया था डायमंड और ग्रेफाइट। आज हम उसी में सीरीज में आगे चलते हैं। आज हम पढ़ाएंगे उसमें फलरेंस। फलरेंस क्या होता है? ये लास्ट है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल था। मैंने आपको बताया था कि दो तरह के सॉलिड हैं, एक क्रिस्टलाइन और एक एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन में आपका डायमंड और ग्रेफाइट और फलरेंस आता है, ठीक है, उसमें कोल और ये सब आता है, ठीक है। तो आज हम जानेंगे कि फलरेंस क्या होता है, ठीक है। फलरेंस फ्रॉम अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप्स। ये कार्बन का एक एलोट्रॉप है, मैंने बताया आपको, ये कार्बन का एलोट्रॉप है। और द फर्स्ट वन टू आइडेंटिफाई वॉज कार्बन 16 विच हैज कार्बन आइटम अरेंज इन द शेप ऑफ अ फुटबॉल। हाँ, अब हम आ जाते हैं अपने थोड़े से लाइन पे। ये लिखा है कार्बन का एलोट्रॉप है, ठीक है। कार्बन के एलोट्रॉप्स तो बहुत सारे हैं, इससे पहले हमने आपको बताया था, पर ये जो एलोट्रॉप है ये कार्बन का एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है। क्या है ये? कार्बन का क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ठीक है। ये कार्बन का क्रिस्टलाइन फॉर्म है। फिर जो ये फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जो ये स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, फीफा वगैरह मैच देखे होंगे, आपके घर में फुटबॉल होगी, जो इसका स्ट्रक्चर है वो कुछ फुटबॉल लाइक दिख रहा है, ठीक है। और जो इसमें कार्बन्स होते हैं वो 60 होते हैं, ठीक है, कैसे वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। और जो इसका शेप है वो बता दिया, फुटबॉल। इसको बोलते हैं बकी बॉल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बकी बॉल भी बोलते हैं। और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म क्यों है? क्योंकि जो इसका जो ये शेप है वो एक रेगुलर शेप में है। क्या है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म क्यों है? क्योंकि एक रेगुलर में इसका जो अरेंज है, जो अरेंजमेंट है कार्बन का, वो एक रेगुलर है। कैसे? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 कार्बन की रिंग है और ये 6 कार्बन की रिंग है, तो ये एक ऐसे ही शेप में आएगी। देखिए, फिर उसके बाद ये 6 होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये देखिए 6, ये भी 6, ठीक है। 6 और 5 कार्बन में ही ये अरेंज होंगे कुछ, ठीक है। कैसे? और इसमें 60 कैसे, ठीक है, ऐसे ही ये अरेंज होके पूरा एक 60 कार्बन इसमें होते हैं अरेंज, ठीक है। कैसे? ये जो बीच में 5 है इनको हम पेंटागॉन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? पेंटागॉन। अब हम देखते हैं कि इसमें कितने कितने मेंबर किसके होते हैं, ठीक है। जो 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर, ये आप समझ जाइएगा, ये 6 मेंबर लिखा है। ये जो 6 मेंबर रिंग है ये 20 होती है, ठीक है। और ये 5 मेंबर रिंग, ये होती है हमारी 12। टोटल कितनी हुई? 32, ठीक है। और जो ये 6 मेंबर रिंग होती है इसे हम बोलते हैं हेक्सागॉन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? हेक्सागॉन। और जो ये 5 मेंबर रिंग होती है इसे हम बोलते हैं पेंटागॉन। क्या बोलते हैं? पेंटागॉन, ठीक। 6 मेंबर हेक्सागॉन, 5 मेंबर रिंग, उसको क्या बोलते हैं? पेंटागॉन। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये जो कार्बन है, आपको मैंने पहले ही बताया था, क्रिस्टलाइन फॉर्म हमेशा एक रेगुलर शेप में होता है, ठीक है। इसमें हमको पता है, इसको हम कहीं से भी तोड़ेंगे, जैसे डायमंड है, मान लीजिए एक डायमंड का टुकड़ा लेते हैं, अगर हम उसको कहीं से भी तोड़ते हैं तो उसका एक शेप होता है, ठीक है, कहीं से भी तोड़ेंगे। जैसे कोल है, आप इसको कहीं से, चार कोल है या कोल है, इन सबको कैसे करेंगे? इन सबको आप एक रेगुलर शेप में नहीं ला सकते, ठीक है। ये अपने अपने शेप में हो जाएंगी, ये रेगुलर में नहीं होंगी, ये इरेगुलर शेप में होती है, इसलिए अमॉर्फस फॉर्म में होती है। और ये एक रेगुलर शेप में होता है इसलिए ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, ठीक है। और इसमें इसको बकी बॉल भी बोलते हैं। इसमें 6 मेंबर रिंग और 5 मेंबर रिंग होती है। 6 मेंबर रिंग को हम हेक्सागॉन बोलते हैं, 5 मेंबर रिंग को हम पेंटागॉन बोलते हैं। 6 मेंबर रिंग में 20 कार्बन्स होते हैं और 5 मेंबर रिंग में 12, तो कुल मिला के 32 होंगे, ठीक है। और जो इसका इसकी मतलब जो डिस्कवर किया था वो बकमिंस्टर फुलर ने किया था, इसलिए इसे बकी बॉल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फलरेंस, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है।
आगे है नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन का नेचर क्या है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें लिखा है टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन में क्या होती है टेट्रावेलेंसी, टेट्रावेलेंसी मतलब फोर कार्बन होते हैं, ठीक है। फोर कार्बन कैसे होते हैं वो भी मैं बताऊंगी। कार्बन हैज फोर वैलेंसी, इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग ऑफ फोर, सॉरी इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग फोर अदर एटम्स ऑफ कार्बन और सेम अदर एलिमेंट्स। बोल रहा है कार्बन में जो है वो टेट्रावेलेंसी होती है और इसमें क्या होते हैं फोर वैलेंसी होगी, और ये अपने से भी बॉन्डिंग कर सकता है और अदर एलिमेंट से भी बॉन्डिंग कर सकता है। कार्बन एक ऐसा सदस्य है जिसके पता नहीं कितने फॉर्म होंगे, ठीक है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी पे ही है, ठीक। तो कैसे होते हैं, जैसे हम कार्बन का अगर हम ऐसे समझिए, अभी हम थोड़ा सा और आपको बताते हैं एक चीज। देखिए सोडियम, कार्बन पे बाद में जाते हैं, पहले सोडियम पे आते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं तो 2, 8 and 1 आता है, ठीक है। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, ठीक है। इसका करेंगे तो 2, 8, 7 आएगा, ठीक ठीक है। ये दोनों हम लोगों ने किया, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो सोडियम है इसका 11 करेंगे, इसमें हमको इसको ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग करना है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो ऑक्टेट रूल कहता है कि अगर हमारा जो बाहर का ऑर्बिटल है वो फुलफिल हो तो हम एक स्टेबल हो जाएंगे, हम क्या हो जाएंगे स्टेबल हो जाएंगे, और अगर फुलफिल नहीं होगा तो हम अनस्टेबल होंगे, ठीक है। तो और क्लोरीन में भी वही है, क्लोरीन में 7 है लास्ट में, तो क्या है सोडियम में 1 है। ये सोच रहा है कि मैं 1 किसी को दे दूं तो मेरे लास्ट में 8 हो जाएंगे, तो मेरा जो आउटर ऑर्बिटल है वो फुलफिल हो जाएगा, मैं एक स्टेबल कंपाउंड बन जाऊंगा। क्लोरीन सोच रहा है कि मैं किसी से 1 ले लूं, अगर मैं एक किसी से ले लूं तो मेरा जो लास्ट है ऑर्बिटल वो फुलफिल हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा, वो ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा, इनर्ट गैस के लगभग मैं आ जाऊंगा तो मैं भी एक स्टेबल कंपाउंड बन जाऊंगा। तो अगर हम सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो हम क्लोरीन को दे देते हैं, क्योंकि क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएगा, इसलिए नहीं लूज कर पाएगा क्योंकि हमको 1 इलेक्ट्रॉन को अगर लूज करना है तो थोड़ी एनर्जी, और उससे ज़्यादा 2 को करेंगे तो और एनर्जी चाहिए, 3 को तो और, तो कुल मिलाकर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको रिलीज करने के लिए हमें काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम 7 रिलीज नहीं कर सकते। हम सोच रहे हैं किसी एक से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेगा सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, उसमें उसको फायदा है क्योंकि उसका जो आउटर ऑर्बिटल है वो फुलफिल हो जाएगा। तो अगर सोडियम में क्या हो जाएगा, सोडियम अगर किसी को देता है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1, क्यों, क्योंकि सोडियम पे प्लस का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और क्लोरीन अगर किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा फिर भी वो भी अपना जो आउटर ऑर्बिटल है वो फुलफिल करने की कोशिश करेगा क्योंकि वो भी एक स्टेबल कंपाउंड बनना चाहता है, तो वो भी किसी से अगर ले लेता है तो इसमें क्या हो जाएगा, क्लोरीन में अगर 1 एक्सेप्ट कर लिया किसी से इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन की वैलेंसी -1 हो जाएगी, ठीक है। क्लोरीन की -1 और सोडियम की +1, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा, ये सिंबल प्लस माइनस का भी वैलेंसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है, ठीक है। कि प्लस का मतलब है हमने किसी को 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, और माइनस का मतलब है हमने किसी से 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं कार्बन पे, वैसे ही हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, अगर हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करें तो 2 and 4 आया। तो अब कार्बन की स्थिति तो बीच वाली या दुविधा वाली स्थिति इसकी इसलिए है क्योंकि ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन एक साथ ले नहीं सकता और ना ही अपना 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन अपना किसी को एक दे दे तो इसके आउटर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, तो ये क्या करेगा डुप्लेट रूल फॉलो कर लेगा तो भी ये स्टेबल हो जाएगा। बट अब ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो काफ़ी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसको लूज इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए उसे काफ़ी अमाउंट में एनर्जी चाहिए होगी। अगर काफ़ी अमाउंट में एनर्जी होगी तभी तो वो लूज कर पाएगा, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन कोई भी एक पर्टिकुलर आइटम नहीं करेगा लूज, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कार्बन सोचेगा कि मैं किसी से 4 इलेक्ट्रॉन बारी बारी करके ले लूँ ताकि मैं भी एक स्टेबल कंपाउंड बन जाए। तो भाई कार्बन को अगर किसी से लेना है तो वो सिर्फ केवल हाइड्रोजन दे सकता है क्योंकि हाइड्रोजन इसका प्रिय मित्र है। क्या है प्रिय मित्र, क्योंकि हाइड्रोजन में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, उस पर हाइड्रोजन को फायदा ये होगा कि हाइड्रोजन को अपना जो आउटर ऑर्बिटल उसको फुलफिल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसका क्या होगा जो आउटर ऑर्बिटल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसके मतलब ये डुप्लेट रूल फॉलो कर लेगा। ये जब ये डुप्लेट रूल फॉलो कर लेगा ये जो है ना एक मिनट ये डुप्लेट रूल फॉलो कर लेगा तो क्या होगा ये स्टेबल बन जाएगा। तो ये कार्बन सोच रहा है कि मैं ना किसी को डोनेट कर सकता हूँ, मैं ना मैं किसी से एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन करेगा म्यूचुअल शेयरिंग, क्या करेगा
म्यूचुअल शेयरिंग, क्योंकि उसमें उसको फायदा है, क्योंकि उसके चार इलेक्ट्रॉन तो अपने पास नहीं रहेंगे और चार इलेक्ट्रॉन मिल भी जाएंगे तो वो स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन, ये एक एक बन गए। अब ये क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना आउटर ऑर्बिटल फुलफिल कर लेगा, कुछ इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। बना देती हूँ यहाँ पे क्लियर। ये हो गए कार्बन के फोर और ये हो गए हाइड्रोजन के फोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये ऐसे से बॉन्डिंग कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। मैंने आपको पहले ही लेक्चर में पढ़ा दिया है कि कार्बन में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि ये फोर इलेक्ट्रॉन ना एक साथ लूज कर सकते हैं और ना एक साथ गेन कर सकते हैं, दोनों बातें, इसलिए ये कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। म्यूचुअल शेयरिंग करके ये अपना एक स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारी टेट्रावेलेंसी। कैसे, अब जब किसी में इसमें चार इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो टेट्रा होगा। ठीक है, और अगर दो लेता है तो डाई, और तीन लेता है, तीन इलेक्ट्रॉन लेता है तो ट्राई होता है। यहाँ पे फोर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसमें क्या होगा, टेट्रा, टेट्रा, फोर का मतलब टेट्रा। ठीक है, टेट्रा वैलेंसी, इसलिए इसकी क्या होती है, कार्बन की क्या होती है, टेट्रा वैलेंसी होती है। ये एक नेचर था कार्बन का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, कार्बन में कार्बन की वैलेंसी के बारे में समझ में आया होगा और फॉलरेंस के बारे में समझ में आया होगा। ठीक है, आज का सेशन मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो, वैसे आई होप मेरे हिसाब से सही चल रहा है सब कुछ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।